नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 20 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली क्षेत्र हाटा नगर के करमहा बाजार मोड़ पर मनबड़ बदमाशों ने सभासद रफुल्ला खान को गोली मारकर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल सभासद को स्थानीय स्थिति ले गए, जहां स्थिति को देख डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर हवाई फायरिंग करने के बाद सभासद के पैर में गोली मारकर उक्त बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने कहा कि दोषी सभी लोगों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, हाटा में कोई घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि एक लड़की हाटा कस्बे की कसिया में ब्याही गई थी एक गांव में, और उसका पति उसे दहेज वगैरह के लिए मारपीट करता रहता था, तो यहाँ चली आई थी। बीच में समझौता हो गया था और फिर वो कुछ दिन पहले फिर समझौता होकर ससुराल चली गई थी। शादी के 6 साल बीत गए थे, 1 साल का एक जुड़वा, 1 साल के बच्चे भी हैं और पति घर पर ही रहता है। तो अभी बता रहे हैं कि 5 फरवरी को वो फ़ोन आया ससुराल से, पति ने फ़ोन किया कि लड़की की तबीयत ख़राब है और अस्पताल ले जा रहे हैं इलाज के लिए। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, इलाज करा लो। फिर बीच में फ़ोन किया तो कहा कि नहीं, अब ठीक है कुछ। और फिर शाम को 7 बजे फ़ोन आया कि नहीं, उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये लोग फिर सुन करके यहाँ से जब गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने लाश को फूंक दिया है, और तो उन्होंने एतराज़ किया कि लाश आपको फूकना था, हमको इंतजार करते, हमारा तब फूकते। तो उस गांव के कुछ लोग थे जो उसके सपोर्ट में थे, वो लोग कहने लगे कि नहीं, हमारा अब अंधेरा हो रहा था या हमारे गांव का नियम था, हमने फूक दिया। तो इस बात को लेकर के इन्होंने कहा कि हम शिकायत करेंगे। तो फिर उन लोगों ने प्रेशर बनाया कि नहीं, कोई शिकायत की बात नहीं है, समझौता कर लिया जाएगा। तो बातचीत आपस में कर रहे थे तो उस गांव के लोग लड़के पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, यहां से इनके वार्ड के जो सभासद रफुल्ला थे ये इनको सपोर्ट कर रहे थे, और इनके शायद भाई कोई वकील वगैरह हैं तो वो भी मदद कर रहे थे इनकी। लेकिन कोई सूचना अभी तक थाने पर दी नहीं गई कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए, जिसकी वजह से ये मामला समझौते के लिए वो लोग बराबर प्रेशर डाल रहे थे। आज समझौते के नाम पर उन लोगों ने उनको आके यहाँ पर बुलाया था, और बुलाने के बाद उनके ऊपर हमला किया। पहले शायद डंडा मारा उनको, फिर गाली गलौज करते हुए फिर वो भागने लगे तो उनके ऊपर फायर किया, जो 32 बोर की गोली उनके पैर में लगी और वो गिर गए। फिर वो भाग निकले गाड़ी में बैठ के, कार थी उनके पास i20, बिना नंबर बता रहे हैं, सफ़ेद रंग के। और मोहल्ले वाले और मार्केट वाले इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक वो भाग चुके थे। अभी उनके बारे में तहरीर प्राप्त हुई है, मुकदमा कायम करके गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी।